आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। उठो वाड़ी, आज उठो, आज उठो, उठो वाड़ी, ये उठो, किसी सरकारी फरमान जो स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर के अपने आराध्य का दर्शन करने जाता है, वही सभी, वही सही माने में धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक भावना है, और शेष जो किसी के आदेश में जाता है वो दिखावा है, छलावा है, और उसकी मजबूरी है कि वो आदेश पे जा रहा है। ये किस तरीके का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साफ था, या जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, उस संविधान को बचाने के लिए यह लोगों को जागरूकता 19 फरवरी को भारत जोड़ो सम्मेलन था, जिसके तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी यहां पर आ रहे हैं, कि आप भी अमेठी में आ रहे हैं, तो आप किस पर क्या प्रतिक्रिया? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इसमें राहुल जी पूरे देश में न्याय यात्रा के माध्यम से सभी समाज में भाईचारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सराहनीय कदम है, उसका हम स्वागत करते हैं, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जब भी उनकी न्याय यात्रा आएगी कोशिश करूंगा कि मैं भी कहीं न कहीं उस न्याय यात्रा में शामिल हूं। प्रमोद किसान को कांग्रेस पार्टी ने बाहर आकर सवाल उठाया, क्या कहेंगे? इससे पार्टी और इंडिया अलायंस कमजोर होगा? देखिए, आपने अगर प्रमोद किशन जी को पिछले साल भर से सुना हो तो नेता थे कांग्रेस के, लेवल था कांग्रेस की, भाषा निकल रही थी भाजपा की, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को दूर ही रखना चाहिए, इससे कांग्रेस और मजबूत होगी, कमजोर होने कोई प्रश्न नहीं। भाजपा द्वारा ने कहा था कि अमेठी, क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने कहा था कि अमेठी से सपा का भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, और क्या लगता है आपको कि गठबंधन में ही ये चुनाव अमेठी में लड़ा जाएगा या सपा का कोई कैंडिडेट आएगा? अलायंस में समाजवादी पार्टी भी है, भैया दिखाते हैं, इसलिए अलायंस के नेता आपस में तय करेंगे किसको कहाँ लड़ना है, अभी कोई भी सीट तय नहीं हुई है, तय होगा इसलिए अपने आप स्पष्ट होगा। अयोध्या में सदन में आपने लेकर आपने सवाल उठाया, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं, आपको भी अयोध्या में जाना चाहिए, आप धर्म के दुश्मन हैं। आपके पार्टी के ही विनोद तिवारी ने आप पर आरोप लगाया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्या कहेंगे? अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है, जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुर्म, जाति अत्याचार करना अपना अत्याचार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, वो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपके ही ये पार्टी के नेता है, वो ही पार्टी के, हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब लगातार सनातन